नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर अंजना, आपकी पीडियाट्रिशियन। आज मैं बात करूँगी फोर मिल्क सिंड्रोम के बारे में। कई बार ऐसा होता है कि 10 दिन 15 दिन के या 20 दिन के बच्चे आते हैं ओपीडी में और कहते हैं कि इस बच्चे को दस्त हो रहे हैं, इसको गैस बहुत हो रही है, इसका पेट बहुत ज़्यादा फूल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? बच्चा तो माता दूध पी रहा है, ऊपर का कुछ लेता ही नहीं है, फिर बच्चे को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? यूरिन भी बच्चा नॉर्मली पास कर रहा है, लेकिन जो उसके स्टूल्स हैं यानी कि उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा बल्की है, मतलब बहुत बड़े बड़े वो स्टूल्स पास कर रहा है। तो हमको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो वो अपने बच्चे को दो तरह का दूध पिलाती है। शुरू में जब वो दूध होता है, जो शुरू का दूध आता है उसको फोर मिल्क बोलते हैं, जिसमें लैक्टोज की कंसेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है और वो बच्चे की प्यास को और भूख को शांत करने का काम करता है, उसको इंस्टेंट एनर्जी देता है। जो पीछे का दूध होता है, जब वो 5-7 मिनट ऊपर का दूध पी लेता है बच्चा, तो जब पीछे का दूध जो आने लगता है, लास्ट वाला दूध जो आने लगता है, उसको हम हिंड मिल्क बोलते हैं। जो हिंड मिल्क होता है वो उसमें फैट की कंसेंट्रेशन, एंटीबॉडीज़ की कंसेंट्रेशन, हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो बच्चे की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, उसके वज़न को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और ये लूज मोशंस को कंट्रोल करने का काम करता है। तो फोर मिल्क सिंड्रोम यानी कि बच्चों को अगर माँ का दूध पीने के बाद गैस बहुत ज़्यादा बने या दस्त बहुत ज़्यादा बने, तो ये लैक्टोज की वजह से होता है। क्योंकि कई बार कई माओं की आदत होती है कि वो आगे से 5 मिनट दूध पिलाएंगे, फिर दूसरी तरफ लगा लेंगी, फिर आगे से 5 मिनट दूध पिलाएंगे, तो बच्चे को सिर्फ आगे ही आगे का दूध मिलता रहता है, पीछे का दूध से नहीं मिल पाता है। तो हमारी एडवाइस ये रहती है हमेशा मदर्स को कि आप जब भी बच्चे को दूध पिलाएं, एक तरफ से पिलाएं, 15 से 20 मिनट तक पूरा अच्छे से दूध पिलाएं, ताकि उसको लैक्टोज भी जाए, उसको फैट भी जाए, एंटीबॉडीज भी जाए, उसकी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग हो, और उसको जो गैस बन रही है लैक्टोज की वजह से, जो इसको लूज मोशंस हो रहे हैं एक्सेस लैक्टोज लेने की वजह से, वो भी कंट्रोल हो जाए। तो यही हमारी एडवाइस है कि फोर मिल्क सिंड्रोम को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि माँ जो है वो पहले एक तरफ से फीड कराए, जब उसको लगे कि अब ब्रेस्ट एम्प्टी हो गया है, मैंने एक तरफ से पूरा दूध पिला दिया है, फिर भी अगर बच्चे को भूख लगी तो फिर वो दूसरी तरफ से दूध पिलाए। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि माँ का दूध पी के भी बच्चों को दस्त हो सकते हैं, लेकिन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हर माँ को पता होनी चाहिए। अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। थैंक यू गाइस।